हर काम मेरे से ही क्यों खराब होता है, लेकिन फाइनली द गुड न्यूज इज कि मेरा पास बन गया है ऑफिस का, जो कि मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं। तो ये बेसिकली मेरा ऑफिस पास था जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बन जाएगा, बट बन गया। एंड सबसे दुख बात यह है कि सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है, क्योंकि उसके बाद नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दिन के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी कि मैं क्या बताऊं। इस ऑफिस में ना पास के बिना मैं कुत्ता भी घास नहीं डालता है, समझ जाओ। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैंने अपने हाथ में कैरी कर लिया हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती तुम लोगों को। हे गाइस, सो फाइनली आई रीच्ड होम एंड सोवी आज मेरे साथ नहीं है घर पे, क्योंकि वो गए हुए हैं बड़ौद किसी रीजन की वजह से। एंड आज पूरा दिन मुझे अकेले ही बिताना होगा इस रूम में, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल, जो कि आज से पूरा दिन स्पेंड करना है, मतलब बेसिकली नाइट स्पेंड करनी है आज की पूरी, वो भी अकेले। तो लेट्स सी कैसा चलता है मेरा दिन। जैसा कि खाना बनाने का मन तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चिल्ले से काम चला लिया जाए, या फिर तो मैंने अभी सोचा है कि मैं चिल्ले बनाती हूँ, मतलब सूजी के, जो सबसे ईजी है बनाना, बट थोड़ा सब्जी में कटिंग टाइम लगता है, मतलब सब्जी काटने में टाइम लगता है। एंड फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद मैंने काटी है इतनी सारी सब्जियाँ, यस मैंने खुद काटी है वो भी सारी की सारी, और इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कैबेज डालू, क्योंकि कैबेज पसंद चिल्ली फ्राइड राइस में लगी, फाइव है, एक और है, 6 अंदर, बेसिकली 7 सब्जियाँ डालने वाली हूँ, कैबेज देखती हूँ इंक्लूड करती कैसा बनता है, वो तो बाद में पता चलेगा। वैसे मैं फ्राइड राइस अच्छे बनाती हूँ, नो डाउट, खुद के लिए बना रही हूँ। अकेले खाना और अकेले बनाना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल क्या, पेट भरना है तो बनाना ही पड़ेगा, बट चलो चलते किचन में। वैसे मैंने चावल रख दिए हैं उन्हें के लिए, तो इधर मैंने चावल उन्हें के लिए रख दिए हैं, और इस कढ़ाई में बनेंगे हमारे फ्राइड राइस। एंड तो फाइनली मेरे चावल बन चुके हैं, और अब बारी है टेस्ट करने की। पहले मैं दिखाती हूँ चावल बने कैसे हैं। ये रहे मेरे चावल जो कि पूरे वेजीज के साथ भरमार है, मैंने इसमें लास्ट में कैबेज डाल दी थी, और अब बारी है टेस्ट करने की, टेस्ट करके देखती हूँ कैसे। जैसा कि मुझे चावलों की क्वांटिटी का अंदाजा तो था नहीं, तो वो बहुत सारे बन गए मुझसे, और कुछ ये रहे और कुछ तो कढ़ाई में भी रखे हुए हैं। जैसा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कितने बनाऊं मैं चावल, क्योंकि कभी इतना खाना बनाया नहीं, अपने खुद के लिए बना रही थी, लेकिन बहुत सारे बन गए हैं, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऑफिस लेके जाना पड़ेगा, तो चावल मैंने बहुत 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 सारे बना दिए। वेल फाइनली मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसे बने हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड ये बने थे सुपर, बहुत टेस्टी, अच्छा जरूर बहुत टेस्टी होना, तो अभी एकदम परफेक्ट है। सबसे बड़ी बात नमक भी डालना पड़ेगा, इन्हें परफेक्ट बना गया। इसी बीच से मैं भी से मैंने से बात कर ली होंगे, और ये देखो यस छोड़े नहीं छोड़े होंगे जी, नहीं मैंने चिल्ले बनाई नहीं क्या नूडल्स बनाए फिर जी नहीं, गेस करो मैंने क्या बनाया। ये कोई दिखा क्यों दिखाऊं क्यों दिखाऊं साले, तुमने भारत ऑर्डर तो भी मार दिया। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तुम कुछ गैस करो मैं क्या बना सकती हूँ। इसने भी तुम गलत हो। और ये रहा मेरा भी सब खाओगी तुम, मस्त नाच रही हो कि सब खाने को मिलेगा। बाय बाय बिट्टू। थोड़ी ही देर बाद फिर से भूख लगने लगी है, और अभी अभी चावल खाए हैं, और आधे बच्चे भी हुए हैं, तभी हालात है मेरे, ठीक है। इसलिए मैं एक दूध गर्मा गर्म मस्त सा करके लाई हूँ, एंड खाने पीने का सामान देखो बहुत सारा लेके आई हूँ, लेना हालांकि थोड़ा सा है, लेकिन इसमें ही था सारा, तो सब उठा के लाना पड़ा। इसको खा के फिर कहीं जाके मैं सोऊंगी, और सबसे बड़ी बात एक बज चुका है, आंखों में नींद दिख ही नहीं रही है मेरे को खुद भी। ये नींद लाने के लिए शायद दूध पीना जरूरी था, खाते खाते ही नींद आने लगी बहुत ज्यादा, कमाल की बात है ना, अभी थोड़ी देर पहले नींद नहीं आ रही थी, खाते खाते मुझे नींद आने लग गया,
मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, फटाफट से खा लो और फिर सो जाऊं, एंड ऑब्वियसली मेरे पति के साथ भी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट.